सो यार कल रात को हमने मस्त फूसबॉल खेला डिनर से पहले, और अभी हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है। गुड मॉर्निंग सर। क्या दोनों ने मसाला डोसा ही मंगाया? डोसा मिल जाएगा, लोगों को चाहिए। एक्चुअली कल हम ढूंढ रहे थे बट मिला नहीं। यहाँ थोड़ा पहाड़ों पे कम मिलता है डोसा। हाँ। अभी लद्दाख वगैरह में डोसा कोई जानते ही नहीं, ओनली पराठा। अच्छा। सिर्फ पराठा। नाइस नाइस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी ब्रेकफास्ट करके हम बस निकलते हैं। तो यार हमने कॉफी ऑर्डर करी थी बट गलती से ब्लैक कॉफी आ गई। मैं कबूतर बाहर से अमूल कूल दूध लाकर डालूं, वो वाली बात होगी। तो भी हमने फिर से ऑर्डर करी कॉफी मिल्क वाली। तो यार दिस इज द बालकनी ऑफ आर डॉम्स, और यहाँ से एक बार व्यू देखो। कल बड़ी बारिश हुई थी, बहुत तगड़ी बारिश हुई थी पर हमारे आने से पहले। और अभी हम निकल रहे हैं डलहौजी के लिए, और यार हम धौलाधार रेंज के ना बहुत आसपास हैं। अगर दिखेगा रास्ते में तो जरूर दिखाएंगे। तो वी आर ऑल रेडी टू लीव। ये हमारा स्टे था, और इस गाड़ी की हालत देखो ज़रा कितनी गंदी हो रखी है। सेम हाल है हमारी बाइक्स का। हमारी बाइक्स यहाँ पे खड़ी हैं पार्किंग में, एक वोरी। इनका भी हाल कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं, देखो कितनी गंदी हो रखी है। और इसकी तो नंबर प्लेट ही नहीं दिख रही, इसमें मडगार्ड नहीं है ना। बाकी आज हमने ज़्यादा साफ़ नहीं करी क्योंकि वापस उसी रास्ते से जाना है, तो थोड़ा थोड़ा विंडशील्ड ही साफ़ कर लिया आगे से। चलो जी एडवेंचर स्टाइल में बैठ गए। तो चलो यार निकलते हैं, टाइम हो गया है 12:27, और आज हम भगसू रुके थे, अभी हम जा रहे हैं डलहौजी। तो आज का सफ़र 120 किलोमीटर्स के अराउंड होने वाला है। ट्रिप ज़ीरो कर लेते हैं, हमेशा भूल जाती हूँ। तो हमने ट्रिप ज़ीरो कर लिया है, आज पेट्रोल भी डलवाना है। ज़्यादा रेंज बची नहीं है, 110 किलोमीटर की रेंज बची है, और दोनों ही बाइकों में डलवाना है। मैक्लोडगंज तो हमने पीछे छोड़ दिया, फिलहाल हम भगसू में हैं। ये वाला मैक्लोडगंज है और वो नीचे धर्मशाला। फोगे बादल है, समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, ये मेन वो है माल रोड वाला रास्ता, और यहाँ से अगर राइट लेते तो नड्डी जाता। यहाँ पे मोमोज वाली बहुत आपको ये ठेलियाँ देखने को मिलेगी, दिल्ली वाला टेस्ट नहीं है कहीं भी। डोगी पहाड़ी कुत्ते अलग ही होते हैं मोटे मोटे भालू से। हालांकि यहाँ पे मोमोज बनाते बहुत हाइजीन से हैं। हाँ नीचे चलना, नीचे। ये जो राइट में एक सुंदर सी बिल्डिंग दिख रही है ना, यहाँ पे ज़िपलाइन की टिकट्स बुक होती है। यहाँ से ज़िपलाइन का वो है स्टेशन, ये जा रही है ज़िपलाइन, देखो ट्रॉली वाली ज़िपलाइन। अच्छा केबल कार, उड़न खटोला भी बोल सकते हैं वैसे इसको। और यहाँ से राइट जाके ना एक मोनेस्ट्री आती है, बड़ी सुंदर, बड़ी बड़ी सी। सर मौत चल रही है कि नहीं? मौत चलती रहनी चाहिए। ये भी वन वे है क्या? फिर भी यहाँ पे जाम लगा हुआ है। आई थिंक ये है वो मोनेस्ट्री। हाँ यही है। चोलिंग टेम्पल ये देखो कितना स्टीप है। उतरने में तो अभी ठीक है, बट चढ़ने में कल जो बैंड बजी थी ना उन लोगों की, वो अलग ही थी। बट ठीक है, ऑल न्यू एक्सपीरियंस। ऐसे रास्तों पे मैंने हमेशा स्कूटी प्रेफर करी है, कभी सोचा नहीं था कि बाइक लेके आऊंगी, वो भी ये हाथी। तो यार क्या आप भी वही देख पा रहे हैं जो मेरी आंखें देख पा रही है? ये सब मत क्या करो यार, जलाने का कुछ फ़ायदा नहीं है यार, नेचर को नुकसान ही होता है। बट फोग और काले काले बादल, खैर अभी तो धूप निकली है बट बारिश हो सकती है क्योंकि बादल अभी छटे नहीं है। इज़ ही फ्रेंडली? वो ही वॉन्ट बाइट? हाय व्हाट्स हिज नेम? पीडी भाई पूछ तो नहीं लिए। पीडी
चीटी, इसके नाक पे मिट्टी लग गई है, मिट्टी चेन भी पहनी है भाई साहब ने, देखो। गुड बॉय गुड बॉय। यार धीरे धीरे ना ये एरिया भी बड़ा डेवलप हो रहा है, ये बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये होटल्स कितने अच्छे अच्छे बन गए हैं। अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और उधर भी लाइन से सारे अच्छे अच्छे होटल्स बन गए हैं। वैसे चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है, उतरने में तो इतना पता नहीं लग रहा, और चढ़ने में भी जब कोई बैंड आता है ना और सामने से कोई आ जाता है तो भगवान दिख जाते हैं सारे। मोंगा बेकरी एंड कैफे, अभी देखो जो ऐसा वाला है ना उसमें चढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आपको लेफ्ट में रखना पड़ता है और लेफ्ट में थोड़ा कम स्पेस मिलता है बाइक को मोड़ने के लिए, और राइट से कोई आ जाए उसी बीच तो बस। तो अभी तो मस्त मज़े में उतर रहे हैं, आज सच कोई दिक्कत नहीं हो रही है, फुल इंजॉय। तो भाई फर्स्ट फ्यूल ब्रेक लगाते हैं, फर्स्ट क्या एक ही बार डलवाना है। खैर भैया टैंक फुल कर दो, सॉरी सॉरी सॉरी। वो पकड़ के रखना पड़ेगा आपको इसको, डन। 13.5 लीटर पेट्रोल ही आया है। ये वैसे ही वाली रोड आ गई, फिल्मी रोड। स्मेल भी आ रही है यहाँ घुसते ही चाय की, है ना, ये इधर इधर सारा, और इधर भी पूरी प्लांटेशन है, फैक्ट्री आउटलेट भी आ गया। कितना सुंदर लग रहा है ना पूरा स्टेप फार्मिंग, ऊपर से देखने में लग रहा है सीढ़ियाँ बनी हुई है। यही है शायद, यही है फॉर श्योर। बहुत ज्यादा झुक गई है, तो इतना टाइट से बांधा था फिर भी आ गया, खिसक खिसक के आ गया। बाकी यार ये चीज़ अच्छी है साना वाले सैडल स्टेज की, कि इस पर रेस्ट करने के लिए ये दिया हुआ है, आगे पीछे चला जाए नीचे ना जाए बस। तो चाय की फैक्ट्री में हम पहुंच गए, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है, यहाँ पे फर्मेंटिंग होती है, ये रोलिंग सेक्शन है। एक काम करते हैं, वाली दो मशीनें उठाते हैं नीचे चल के चाय काट के लाते हैं, देन वी विल प्रोसेस इट हियर, यहां काम हो नहीं रहा है। फिर पहले उसको फर्मेंट रोल सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा, फिर बना के पिएंगे, सोचो कितना मजा आएगा ना। अभी भी बहुत सारे प्रोसेस बाकी हैं। इसके बाद भी? हाँ, अभी आगे चलते देखते हैं। मशीनें तो बड़ी ह्यूज ह्यूज हैं। ये तो वो छंटे टाइप की नहीं होती मेस? हाँ हाँ हाँ, अलग-अलग साइज के जो होते होंगे। देखो ना इधर साफ है, पर ये पूरा कुछ नहीं है इसमें। हर टी के ना अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं, सैफ्रन टी, रोज टी, ऑर्गेनिक टी, और एक टी का नाम था ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी। टीवी ऑर्थोडॉक्स होने लग गई, तो अगर किसी के मतलब जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं शायद उनके लिए उनका फ्लेवर मेंटेन रहते हैं ऑर्थोडॉक्सी का। सही बात है, कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यार कितनी बड़ी मशीन है ना, और यहाँ पे भर भर के चाय की स्मेल आ रही है, मस्त। सोचो मेरे जैसा आदमी जो चाय लवर है, आप यहीं पे काम करने लग जाओ, फोरमैन की पोस्ट कर दो, चाय के बगानों में घूमते रहना, ड्रोन उड़ाना वहाँ पे फिर। ये देखना विंडशील्ड पे कितने कीड़े मकोड़े बैठ गए हैं, इस पे भी क्या टेस्ट आ रहा है, चाय की पत्तियों पे बैठो टेस्ट आएगा। तो चलो अब निकलते हैं सीता डलहौजी के लिए। जब हम अपने स्टे से निकले थे ना तो हमको 115 किलोमीटर चलना था, और अभी भी हमको 118 किलोमीटर चलना है, क्योंकि हम थोड़ा टी की फैक्ट्री देखने इधर उधर आ गए थे। चलो फिर, चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, बाय बाय टी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। सुंदरता तो कूट कूट के भरी हुई है इधर। लव यू जिंदगी, पानी के फुहारे जा रहे हैं लीक होके, मेरे ऊपर भी आए हैं। ओए होए होए, ठंडा ठंडा हो गया, गर्मी बहुत लग रही थी, पसीने आ चुके हैं पूरे शरीर पे। डलहौजी यहाँ से 100 किलोमीटर, पठानकोट के लिए सीधा और नूरपुर के लिए भी सीधा। कर दी हलाकनी हवेली टैब तोरनी, उंज ते पतंदरों
लंबा सा रफ पैच आ गया। ऐसे ही पैच में तो सैडलिंग करने का मजा है। जेसीबी का काम चल रहा है। पहले तो लोगों की भीड़ लग जाती थी जेसीबी की खुदाई देखने के लिए। माना मुझे काजा ब्राउन चाहिए थी और मुझे हानले ब्लैक मिल गई, बट ये सामने वाला टेम्पो तो आज ही मेरे को काजा ब्राउन उन पर बिठा देगा। इतनी धूल उड़ा रहा है ना, कटिंग चल रही है पहाड़ों की। तो यार 4 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 3:55 हो गए हैं और हमने चला है 57.5 किलोमीटर। और अभी हम लंच करने रुके हैं स्टार कुलचा लैंड ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट। मेन्यू तो बहुत बड़ा सा है, तो देखते हैं सब कुछ मिल जाएगा या नहीं जो जो लिखा है। अभी भी 2 घंटे 10 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। तो जी लंच में हम खा रहे हैं दाल तड़का, आलू जीरा और तवा रोटी। चलो जी निकलते हैं। तो अभी लंच करते करते हमने थोड़ा सा प्लान बनाया कि हमें रुकना कहाँ है, बुकिंग करी और डलहौजी से हम थोड़ा सा पहले ही रुक रहे हैं। वानीखेत पड़ता है डलहौजी से पहले, वहाँ पे रुक रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई हमें अच्छी प्रॉपर्टी सच मिल नहीं रही थी। हम हॉस्टल ही प्रेफर कर रहे हैं फिलहाल, तो थोड़ा इजी ऑन पॉकेट भी रहता है और सुंदर बहुत रहता है हॉस्टल, या फिर अगर हॉस्टलर जैसे हॉस्टल्स की बात करें तो। तो 65 किलोमीटर्स और जाना है हमको, अभी 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा। तो अभी हम इंटरकॉम में मस्त गाना शेयर करते और सुनते हुए चल रहे हैं। इसका भी अपना ही फन है यार, अब मैं कोई भी राइड बिना इंटरकॉम के नहीं कर पाऊंगी, मतलब कर तो लूंगी बट बोर हो जाऊंगी। ट्रक ही ट्रक, लव प्रतीक कुहाड़ के गाने। पठानकोट यहाँ से 29 किलोमीटर ही रह गया और एक चक्की नाम की जगह है 17 किलोमीटर दूर। रोड तो बड़ा सुंदर बन गया, अभी तो ये वन वे है और जो लेफ्ट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, शायद ये डबल रोड हो जाएगा उसके बाद से। बहुत प्रिटी, और साइड साइड में ये खेत, कितना सुंदर रोड, कितना ही सुंदर रोड, बहुत सुंदर बनाया है रोड। अभी जैसे पीछे बहुत सारा रफ पैच था ना, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़े टाइम में वो पूरा ही रास्ता ऐसा सुंदर हो जाएगा ना। इसके आगे लगाएं पीछे, पीछे ही लगा लेते हैं। ट्रैक्टर ड्राइवर भी नहीं दिख रहा ना, तो आपने मुझसे प्रॉमिस करा है वीली मार के दिखाने का। अब ये बता दो इसी पे मारोगे या हाईनेस पे मारोगे? एडिटिंग से हवा में उड़ा देना। तो यार यहाँ पे हम ड्रोन फुटेज लेने के लिए रुके हैं। जब पानी आता होगा तो पूरा इधर तक आता होगा, है ना? अभी तो यहाँ शायद कुछ ट्रक ट्रक चलाया हुआ है लोगों ने। यहाँ पे दिख रहा है ना मिट्टी में पूरा वो बना हुआ है लहरे लहरे। हाँ वो भी है, वो भी है। और बड़ी इनोवेटिव सा इसका स्टीयरिंग है, चेन होती है ना बाइक की या गाड़ी की बड़ी वाली चेन, उससे स्टीयरिंग बनाया है। और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये भी चेन का है और 2 पिस्टल छपी हुई है। फोटोशूट चल रहा है गाइस। अब टाइटल डालूंगी दिल्ली से हिमाचल ट्रैक्टर से आ गई। जान लगती होगी यार इसके टायर को घुमाने में, तो घूम ही नहीं रहे। ये देखो इस पे शायद वो लगा हुआ है। हाँ मतलब पल भी तुझसे सब है साईयां, तू ही मेरा दिलबर, तू ही मेरा रब है साईयां, तू ही मेरा पता, तू ही बता के कैसे कहूँ अलविदा, तेरी आंखें
तुझसे हूँ मैं जावेदार, तेरे बिन क्या रातें दिन क्या जीने में क्या फायदा, तुझसे ना मैं यार। मस्त फोटो वोटो फोटो वीडियो ले लिए और अभी निकलते हैं। बहुत सारी फोटो है, हाँ बहुत सारी ड्रोन शॉट्स भी। 6:20 यही हो गए हैं और 39 किलोमीटर्स और रहता है और हमें 7:30 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते। और सुबह से हम चले हैं बस 85 किलोमीटर्स, 6 घंटे 6:30 घंटे के आसपास हो गए हमें निकला और हम इतना ही चले। I'm sorry, पहले मेरा ऑफिस का काम आ गया, थोड़ा भी लेट। बट मजा तो कर रहा है ना, वो जरूरी है। रस्ते में मिले तो थोड़ा सही रहता है, मौज चलती रहनी चाहिए। तू निभा नहीं सकदी है यारियां, कहंदी सी तू मेरा, मैनू याद नहीं गल्ला सारियां। तो यार ये वो गाने हैं जो हम स्कूल टाइम में सुना करते थे, अब यही बजा रखा है हमने। अखियां नूं खाब वखा गई है, तू साडे दिल नूं क्यों टुकरा गई है। यार रोड इतना बढ़िया है ना, इतना बढ़िया है क्या बताऊँ। ऊपर से शाम का टाइम हो गया है ना, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, बड़ा मजा आ रहा है। असि तेरे पीछे क्यों रुलदे, सुन ले साडी प्रेम कहानी, दिल विच प्यार ते नैना विच पानी। तो यार ये बीच में कोई टाउन आया है, लहरून लहरून करके कोई जगह आई है और ये शायद मेन मार्केट वाला रोड है। तो यार इस जगह का नाम है दुनेरा और वो जिस मार्केट से हम निकले थे उसका नाम है दुनेरा मार्केट। और मौसम इतना अच्छा हो गया ना शाम का ठंडा ठंडा, बड़ा मजा आ रहा है, सनसेट वाला माहौल। कैसे पूरा पेड़ रोड पे आ रखा है, जुग जुग जियो। अरे 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 अरे, अरे, अरे। साइड प्लीज मैडम। पर भेड़ बहुत मोटी मोटी थी, जैसे पहाड़ी कुत्ते मोटे होते हैं ना, पहाड़ी भेड़ का भी कुछ यही हाल है। तो यार चंबा डिस्ट्रिक्ट आ गया है, यहाँ से डलहौजी 31, बानीखेत 25 और हमें रुकना है बानीखेत में ही। और थोड़ा सा अंधेरा छा गया है, कुछ तो इसलिए भी क्योंकि टाइम 7:45 हो गए हैं और कुछ इसलिए भी क्योंकि बहुत डेंस पेड़ है ना आसपास। यार ये पैच देखो यार एक बार, ओए होए 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 होए, ओए होए 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 होए। This is life. तेरी हंसी पर मैं मर ही न जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। यार आगे का व्यू देखना जरा, कितना सुंदर स्काई लग रहा है ना, वेरी वेरी प्रिटी। फाइनली हमारे आज के 100 किलोमीटर पूरे हो गए हैं, डलहौजी 25। गाड़ी वालों की पर्ची कट रही थी, हम उसी लाइन में लग रहे थे, बट हमारे आगे जो बाइक पे दो बंदे हैं उन्होंने हमें बचा लिया लाइन में लगने से। ये ना जहाँ से हम फोटो वोटो नहीं ले रहे थे ब्रिज पे, तब से हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। कहाँ रखा मैंने, यहाँ पे रखा था, नहीं 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 नहीं, केबल। आप लोग यूट्यूबर ना, आप भी वहीं जा रहे हो क्या डलहौजी? नहीं नहीं, डलहौजी से हमारा अपनी साइड पर घर, डलहौजी ऊपर जाएगा ना, बानीखेत साइड जाएगा। बानीखेत ही जा रहे हैं हम भी, बानीखेत तो थोड़ा इराब है। हाँ हाँ, 20-21 किलोमीटर रहता है। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ, ਚੁੱਪਰ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨੀ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ। ਚੰਦਾ ਮਾਮਾ ਦੇਖੋਗੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੋ ਜਹਾਂ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਸਟੇ ਹੈ ਨਾ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਪੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ। ਤੋ ਅਗਰ ਤੈਰਨੇ ਕੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੋ ਮਜ਼ੇ ਹੀ ਮਜ਼ੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਭਿਗੋਣਾ ਚਾਹਤੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਟੇ ਪੇ, ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਰੀਚਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੇ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਹਮਕੋ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਲਗਾ ਦੇਤੇ ਹੈਂ, ਏਕ ਬਾਈਕ ਤੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਾਰਕ। ਕਿਤਨਾ ਚਲੇ ਹੈਂ ਹਮ, ਹਮ ਚਲੇ ਹੈਂ 122.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਹੈ ਇਸਨੇ 33.5 ਕੀ। ਤੋ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਇਨ ਤੋ ਹਮਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,
सामान उतारने में आई थी। ये ले लेते हैं और एक बार इसका हाल देखो जरा मड गार्ड का। चलो हाय, दिस इज द डॉर्मेट्री। सो यार दिस इज द स्टे। वो रहा पूल, अभी तो इतना नहीं दिख रहा है बट सुबह क्या व्यू आएगा स्टे का भी। और जो ये यहाँ वाला नज़ारा है ना इसका भी, ये दूर दूर तक आपको लाइट्स ब्लिंक होती दिख रही है ना, एक वो वाली पहाड़ी है उस पर इतनी लाइटें चमक रही है ना, वो भी कैमरा में तो दिख नहीं रही है बट यार मेरी आंखों से इतना सुंदर लग रहा है ना, मैं बोल रही हूँ तो मान जाओ। ठीक है एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो कोई यहाँ पे च्युइंगम चिपका के चला गया। नहीं 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 चिंगम मेरे पास है ही नहीं। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? जल्दी भी होगा उसका समझ नहीं आ रहा है क्या करे। एक्सट्रीम किस्म की बदतमीजी है। हाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए ना, दूसरों की प्रॉपर्टी को डैमेज करके क्या फायदा, कहीं नहीं करना चाहिए। हाँ स्कूल में चलता है जब बच्चे बेंचों पे चिपका देते हैं वो ठीक था। ये बात तो बेंच से हाथ लगा रहे यार चिंगम सही में, पर ये बेकार बात है यार। बाकी हम लोग अभी चेंज वेंज करके बस खाना खा के आज एडिट करने बैठेंगे। चलो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। बाय।